नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसर्ट्स। सिवान के पूर्व सांसद और दिवंगत शहाबुद्दीन की बड़ी बेटी का आज निकाह है। जी हां, आज यानी कि 15 नवंबर को शहाबुद्दीन की बड़ी बेटी का आज निकाह है। ऐसे में जो सिवान में जो उनका पैतृक गांव है, वहां पर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं इसको लेकर, किस तरीके से भव्य पंडाल बनाए जा रहे हैं और क्या कुछ खास होने वाला है, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप सबसे पहले वो तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से पंडाल को बनाया गया है। आपको बता दें कि ये जो पंडाल है, ये लगभग 5 एकड़ की जमीन में इस पंडाल को तैयार किया जा रहा है। जी हाँ, इस पंडाल को बनाने के लिए जो जगह उपलब्ध करवाई गई है वो 5 एकड़ का एरिया है। साथ ही यहाँ पर जो लोग हैं, जो कारीगर हैं, वो अलग अलग जगह से आए हैं और लगभग 15 दिन पहले से इसकी तैयारियां चल रही हैं। उसके बाद एक नजर हम फूल पे डालेंगे, वो फूल जो सजावट के लिए लाए गए हैं। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये हमारे देश के अलग अलग कोनों से तो आए ही हैं, साथ ही ये फूल विदेशों से भी मंगवाए गए हैं। उन विदेश में एक नाम सिंगापुर भी है। जी हाँ, ये फूल सिंगापुर से मंगवाए गए हैं, साथ ही अलग अलग जगह से मंगवाए गए हैं। इसकी खासियत यह है कि ये फूल अगर आप 15 दिन 20 दिन ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसके बावजूद भी ये फूल मुरझाएंगे नहीं बल्कि तरोताजा रहेंगे। दूसरी नजर हम अगर खाने की बात करें, जो मेहमानों को स्वागत के लिए या मेहमानों के लिए जो भोजन तैयार किए जा रहे हैं, उसमें भी कई तरह के वैरायटी है। वेज हो, नॉन वेज हो, हर चीज में अलग अलग डिफरेंट तरीके की वैरायटी है और उसकी तैयारियां जो है वो कई दिन पहले से शुरू हो चुकी थी। और खाने की अगर स्पेशली बात करें तो कल से ही सारा सामान जुटाया जा रहा था और 15 दिन पहले से सजावट के सामान जो है वो तैयार किए जा रहे थे। और एक बार फिर से आप पंडाल पे नजर डालिए, ये आपको एक बार तस्वीर देख के ये लग रहा हो कि ये कोई फिल्म का सेट है, लेकिन नहीं, ये फिल्म का कोई सेट नहीं है बल्कि पूर्व सांसद, सिवान के पूर्व सांसद और दिवंगत शहाबुद्दीन की बड़ी बेटी का जो निकाह होने वाला है उसका पंडाल बनाया जा रहा है। साथ ही जो ओसामा है, उनके बेटे, शहाबुद्दीन के जो बेटे हैं ओसामा, उनकी कुछ दिन पहले ही निकाह हुई थी और ऐसे में आज जो है उनका वलीमा यानी कि रिसेप्शन होगा। मतलब शहाबुद्दीन की बड़ी बेटी का आज निकाह भी है और उनके बेटे ओसामा का आज वलीमा यानी कि रिसेप्शन भी एक साथ होगा। ऐसे में जो तैयार है वो काफी भव्य दिख रही है। अब बात करेंगे कि आखिरकार इस जो शादी इतने भव्य तरीके से हो रही है, इसमें कई नेता, अभिनेता और कई महान हस्ती भी शिरकत करने वाले हैं। अगर बात करें सूत्रों की, तो सूत्रों के मुताबिक कई बड़े बड़े जो सुपरस्टार हैं या फिर कई बड़ी बड़ी अभिनेत्री हैं, उनको न्योता भेजा गया है, निमंत्रण भेजा गया है यहां आने के लिए। साथ ही अगर नेताओं की हम बात करें तो कई बड़े बड़े नेताओं को भी निमंत्रण भेजा गया है। अगर बात जो सामने अभी तक आ रही है वो है नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, पप्पू यादव, चिराग पासवान, इनके अलावा भी कई बड़े नेता हैं, लेकिन ये 5 नाम ऐसे हैं जिनको न्योता भेजा गया है, जिनकी आने की संभावना जताई जा रही है। इसमें सबसे अभी नीतीश कुमार की आने की जो बात है वो सूत्रों के मुताबिक पता चली है कि हो सकता है वो आएंगे, लेकिन अगर बात हम तेजस्वी यादव, पप्पू यादव या फिर चिराग पासवान की करें तो इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये शाम तक जरूर इस निगाह में शिरकत करेंगे, अपना आशीर्वाद देंगे और फिर वो बात देखने वाली होगी कि कैसे। और अगर बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड से कौन कौन लोग जाते हैं ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। इसकी तस्वीरें हम आपको शाम में जरूर दिखाएंगे, अभी आप ये तैयारियां देखिए, लेकिन शाम में हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे कि इस भव्य शादी में, इस शानदार शादी में कौन कौन से नेता और अभिनेता शिरकत करते हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।